Yes, so good morning, good morning, hello, good morning, good morning, hello, good morning. Okay, yes, Pragya, hello. Good morning, Mansi, good morning, Akshat, good morning, Pradyumna, hey, they want. Okay, yes, Payal, good morning. So, Mayank, sending good morning, Krishna Kumar, good morning. Okay, so all are here to attend this class. Good morning, Prerna. Hello, Rajdeep. So, let's start for today. Okay, so guys, in the last one, we were discussing about, okay? And in the last, Jayant asked me about the capitals of Akbar. Okay, Jayant is here or not? Jayant Saini. Can you hear me? Okay. So, Akbar began the ruler in, yes, Namaste Jayant, 1566. Okay? Punjab region was occupied. And then finally they occupied Delhi. Okay, after defeating Hemu in Battle of Panipat second. Okay, Hemu was defeated by Bairam Khan, we can say that Akbar, in the Battle of Panipat second on 5th November 1556. And after this battle, Akbar got the control of Delhi. Okay, then the first capital of Akbar was Agra. In first of all, Akbar declared Agra as his capital. Okay, good morning, sir. Jai, sir. Yes, Mohit, good morning. Jai Hind. So the first capital was Agra, and it was till 1571. Okay, यानी अकबर की फर्स्ट कैपिटल आगरा थी 1558 में उसने इसको डिक्लेयर किया था, वो 1571 तक थी. आफ्टर दैट इन 1569 अकबर पॉपुलेटेड अ न्यू टाउन फतेहपुर सीकरी. ओके, और ये ख्वाजा मोहम्मद बिन चिश्ती की दरगाह को फेस करते हुए बनाया गया शहर था अकबर के द्वारा 1569 में. ओके, और जब इस शहर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तो 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी नेक्स्ट कैपिटल डिक्लेयर कर दिया. एंड दिस वाज द कैपिटल ऑफ अकबर टिल 1585. नाउ तो फतेहपुर सीकरी वाज डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल ऑफ अकबर इन 1571. ओके, एंड इट वाज द कैपिटल ऑफ अकबर टिल 1585. ओके, आफ्टर दैट अकबर डिक्लेयर्ड लाहौर एज हिज कैपिटल. ओके, तो वेस्टर्न साइड में यानी काबुल कंधार में जो भी रिवोल्ट्स हुए थे उन रिवोल्ट्स को क्रश करने के लिए अकबर ने अपनी कैपिटल लाहौर में शिफ्ट कर दी. ओके, एंटिल 1598 लाहौर वॉज द कैपिटल ऑफ अकबर. ओके, एंड देन इन 1598 अकबर अगेन शिफ्टेड हिज कैपिटल टू आगरा. So in this way, there were three capitals at the time of Akbar. Yes, Dhara, good morning. Indian, good morning. By the way, please tell me your real name. India, Indian, आपका सही नाम क्या है? Please बताएं एक बार. Okay? तो आगरा was the last capital. Okay? और ये आगरा से capital वापस पहुंचती है शाहजहांबाद. Okay? वो जहां आरा ने प्रिपेयर किया था. ठीक है, ओके. नाउ आफ्टर दैट अकबर डाइड इन 1605 कॉमन एरा. ओके, सो अकबर डाइड ऑन 26 अक्टूबर 1605 कॉमन एरा. आफ्टर दैट जहांगीर बिकेम द
next ruler of Mughal dynasty. Yes, Sachi Mishra, good morning. Chand Kumar, good morning. Okay, so Jahangir became the next ruler. अब जहांगीर की इनिशियल हिस्ट्री पढ़ते हैं, ओके? सो गाइस, जहांगीर वाज़ द सन ऑफ अकबर, ओके? टुक बर्थ ऑन 30th अक्टूबर 1569. तो जहांगीर का जन्म हुआ था 30th अक्टूबर 1569 को. ओके, बाय द वे 1569 से आपको इस 16 का जो आंकड़ा है ना, इसमें बहुत से जो लोग हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ इजी वे में याद हो सकती है. फॉर एग्जांपल 1469 गुरु नानक देव, 1769 नेपोलियन, और 1869 महात्मा गांधी. ओके, 1569 में जहांगीर का जन्म हुआ था, 1469 में गुरु नानक देव का हुआ था, 1769 में नेपोलियन, एंड 1869 महात्मा गांधी. ये सारे 69 के आंकड़े में आते हैं. ओके, सो जहांगीर टुक बर्थ ऑन 30th अक्टूबर 1569. हिज मदर वॉज हरकाबाई. ओके, हरका बाई, द प्रिंसेस ऑफ आमेर, डॉटर ऑफ भारमल कछवाहा, सिस्टर ऑफ भगवान दास, ओके, एन आंटी या बुआ ऑफ मानसिंह. आमेर से बिलोंग करती थी हरका बाई, हु वाज लेटर रीनेम्ड एज मरियम उजमानी. ओके, मरियम उजमानी हरकाबाई का ही टाइटल था जो अकबर के द्वारा दिया गया था, यानी शाही हरम में. ही वॉज बॉर्न इन अगस्त आई थिंक. एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी ही टुक बर्थ इन अक्टूबर. या यू आर करेक्ट, ही टुक बर्थ इन अगस्त एंड ही डाइड इन अक्टूबर. या मानसी, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ही टुक बर्थ इन अगस्त एंड डाइड इन अक्टूबर. एक्चुअली आई वॉज लिटल बिट कन्फ्यूज. ओके, यस राहुल, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद. थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हो गया. एक्चुअल में उसका जन्म अगस्त में हुआ था, और वो जब उसकी डेथ होती है जहांगीर की, तो वो अक्टूबर में हुई थी, है ना? ओके, हाँ. तो हरकाबाई वॉज द मदर ऑफ जहांगीर, जिसका नेम था मरियम उजमानी. हरकाबाई आमेर से बिलोंग करती है, भारमल कछवाहा की बेटी थी हरकाबाई. भारमल कछवाहा ने अपनी बेटी की शादी अकबर से की थी, एंड दैट वॉज द फर्स्ट रिलेशन बिटवीन अकबर एंड राजपूत रूलर्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन. जहांगीर अब्दुल रहीम खान आ खाना. ओके, ये जहांगीर के गुरु थे. ओके, इफ वी टॉक अबाउट द मेजर इंसिडेंट रिलेटेड विद द लाइफ ऑफ जहांगीर, देन फर्स्ट ऑफ ऑल विक्ट्रीज ऑफ जहांगीर, जिसमें पहला नेम है मेवाड़ का. ओके, मेवाड़ वॉज कॉन्कर्ड बाय जहांगीर इन 1615 कॉमन एरा. At the time of Jahangir, the ruler of Mewar was Amar Singh first. Okay, Amar Singh first was the son of Maharana Pratap, who was the ruler of Mewar at the time of Jahangir. After becoming the ruler, means Jahangir was coronated in 1605. और इस coronation के बाद Jahangir ने सबसे पहला invasion Mewar पे किया था. फर्स्ट इन्वेजन इन 1605 कॉमन एरा अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रवेज, जो राजकुमार था, मैंने जहांगीर का ही बेटा था सहजादा प्रवेज. ओके, सो सहजादा प्रवेज इन्वेडेड मेवाड़ इन 1605 कॉमन एरा, एंड द बैटल ऑफ देवबारी टुक प्लेस बिटवीन सहजादा प्रवेज एंड रूलर ऑफ मेवाड़. ओके,
एंड इन दिस दिस बैटल और दिस बैटल वॉज इनडिसाइसिव, यानी इस बैटल का कोई रिजल्ट नहीं निकला था. ओके, आफ्टर दैट इन 1608 जहांगीर सेंट आसफ खान, सॉरी महावत खान, इन 1608 ही सेंट महावत खान. ओके, ही वॉज ऑल्सो नॉट कैपेबल टू कॉन्कर मेवाड़. देन इन 1609 ही सेंट अब्दुल्ला खान. ओके, अब्दुल्ला खान वॉज ऑल्सो अनसक्सेसफुल. फाइनली इन 1613-14 जहांगीर सेंट खुर्रम. ओके, खुर्रम कह दो या फिर साझा. ओके, साझा टाइटल था जो जहांगीर ने ही दिया था शहजादे खुर्रम को. यस केशव, गुड मॉर्निंग. सो फाइनली इन 1613-14 शहजादा खुर्रम कॉन्कर, एंड इन दिस वे अ ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन मुगल्स एंड द मेवाड़ रूलर, विच इज नोन एज द मुगल मेवाड़ ट्रीटी. यस मयंक शर्मा, गुड मॉर्निंग. सो दिस ट्रीटी इज रेफर्ड एज द मुगल मेवाड़ ट्रीटी. इस संधि को मुगल मेवाड़ संधि कहते हैं. ओके, दिस वन वॉज साइन 1615 कॉमन एरा एट अजमेर. ओके, ये संधि 1615 कॉमन एरा अजमेर में साइन हुई थी. एंड एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस ट्रीटी महाराणा अमर सिंह एक्सेप्टेड द सोवरेनिटी ऑफ अकबर, सॉरी जहांगीर. ओके, द फोर्ट ऑफ चित्तौड़ अलोंग विद द अदर रीजन्स विच वर अर्लियर कॉन्कर्ड बाय मुगल्स वर हैंडेड ओवर टू अमर सिंह विथ अ कंडीशन दैट महाराणा अमर सिंह विल नेवर रिनोवेट द चित्तौड़ फोर्ट, यानी चित्तौड़ फोर्ट का रिनोवेशन उसकी मरम्मत नहीं करवाएगा. ठीक है, इसके अलावा सन ऑफ महाराणा अमर सिंह करण सिंह वॉज अपॉइंटेड इन द मुगल कोर्ट एज मुगल मनसबदार विथ अ 5000 मनसबदारी. ओके, and the last point, it was decided that the rulers of Mewar would not be forced to establish a marital relation with Mughals, yani Mughalon ke saath wo koi bhi vivahik sambandh sthapit nahi karenge. Ye is treaty mein decide kiya gaya tha. Is that clear? So that was the first victory of Jahangir, victory over Mewar. Okay, aur isme four major military campaigns the jo जहांगीर ने भेजे थे. फर्स्ट वन इन 1608, 1605 परवेज, 1609 एंड 1613-14. ओके, और लास्ट वन द ट्रीटी ऑफ मेवाड़ एंड मुगल्स. ओके, या मुगल मेवाड़ ट्रीटी. द नेक्स्ट विक्ट्री ऑफ जहांगीर वॉज ऑन अहमदनगर. ओके, so the next point is the victory of Ahmednagar of Khurram. Okay, and after this victory Jahangir adorned Khurram with the title of Shahjahan. तो शाहजहां एक टाइटल था जो शहजादा खुर्रम को दिया गया था जहांगीर के द्वारा आफ्टर गेटिंग विक्ट्री ओवर अहमदनगर इन 1617 कॉमन एरा. ओके, अलोंग विद दैट जहांगीर कॉन्कर्ड कांगड़ा रीजन इन 1620 कॉमन एरा, अ हिली रीजन विच इज एट प्रेजेंट सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश. और इस रीजन को कॉन्कर किया था जहांगीर ने 1620 में. तो जैसे अकबर के लाइफ में एक मतलब एक कलंक है चित्तौड़ की विक्ट्री, इन द सेम मैनर विक्ट्री ऑफ कांगड़ा
एक कलंक है जहांगीर के लिए, क्योंकि इस टाइम जहांगीर ने कांगड़ा में अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ हिंदू टेम्पल्स को तोड़वा दिया था, वहाँ पे गाय की बलि दी गई थी, इसके अलावा भी जो वहाँ के लोग थे उनको मारा गया था। तो ऐसा जहांगीर जो जनरली एक रिलीजियसली टॉलरेंट रूलर था उसकी पॉलिसीज के अगेंस्ट था, सो इस वजह से इसको जहांगीर के ऊपर एक कलंक माना जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, एट द टाइम ऑफ जहांगीर टू मेजर रिवोल्ट्स टुक प्लेस। द फर्स्ट वन रिवोल्ट ऑफ खुशरो। ओके, खुशरो वॉज द सन ऑफ जहांगीर हु रिवोल्टेड इन 1606 कॉमन एरा। एक्चुअल में ये मानबाई का बेटा था। ओके, मानबाई जिसके साथ में जहांगीर की सबसे पहली शादी हुई थी 1685 कॉमन एरा में, सॉरी 1585 कॉमन एरा में, द फर्स्ट मैरिज ऑफ जहांगीर विद मानबाई। ओके, मानबाई विच वॉज द सिस्टर ऑफ मानसिंह। मानबाई वॉज द सिस्टर ऑफ मानसिंह जिसके साथ में जहांगीर की शादी हुई थी, जिससे जो बेटा हुआ था वो खुशरो था। ओके, एंड दिस खुशरो रिवोल्टेड अगेंस्ट अकबर इन 1606 कॉमन एरा, एंड दिस रिवोल्ट वॉज क्रस्ड बाई खुर्रम। ओके, इसके अलावा एक और रिवोल्ट जहांगीर के अगेंस्ट हुआ था, एंड दैट वॉज बाई खुर्रम। वैसे हु वॉज अ पर्शियन लेडी जो फारस से बिलोंग करती थी इन 1611 कॉमन एरा। बाय द वे, आर यू इंटरेस्टेड टू रीड द स्टडी ऑफ टू रीड द हिस्ट्री ऑफ नूरजहां जुंता? क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि आपकी बुक में नहीं है, उससे अलग है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन आई कैन एक्सप्लेन यू अबाउट नूरजहां जुंता, अदरवाइज बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। आर यू ऑल इंटरेस्टेड इन दैट? Tell me fast. Okay. Except Kushagra, all are saying yes. So don't worry Kushagra, it will be very interesting. ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाला है, तो आप ये ना सोचें कि इससे आप बोर हो जाओगे, तो जस्ट एंजॉय इट। ओके, नूरजहां जुंता, चलो इसके बारे में बात करते हैं। नूरजहां जिनका इनिशियल नेम था मेहरुनिशा। ओके, मेहरुनिशा। ओके, नूरजहां वॉज फर्स्ट मैरिड विद अली कुली खां। अली कुली खा जिसका टाइटल था शेर अफगान। ओके, शेर अफगान या शेर अफगान, ठीक है, शेर अफगान वॉज द टाइटल ऑफ अली कुली खा जिसकी जिसके साथ में मेहरुनिशा की शादी होती है। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ अली कुली खान मेहरुनिशा वॉज मैरिड विद जहांगीर, और जहांगीर मैरिड विद मेहरुनिशा। ओके, और इस मेहरुनिशा को उसने टाइटल मेहरुनिशा को टाइटल दिया नूर जहां का या नूर महल का। नूर जहां और नूर महल। ओके, आफ्टर दैट नूर जहां रीच्ड इंडिया। तो पर्शिया से वो कहां पहुंच गई? इंडिया। और इंडिया पहुंचने के बाद उसने एडमिनिस्ट्रेशन को ऑक्यूपाई कर लिया, एंड इन दिस वे बिकेम द मोस्ट पावरफुल वन और द मोस्ट पावरफुल लेडी इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और इन द हिस्ट्री ऑफ मुगल। सबसे पावरफुल लेडी थी नूरजहां। ठीक है, यानी दोनों का नाम एक साथ आता था, जो भी ऑफिशियल ऑर्डर ऑफिशियल मेमोरेंडम इश्यू होता था उसके ऊपर जहांगीर के साथ साथ नूरजहां के सिग्नेचर भी होते थे। ओके, नूरजहां ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए एक ग्रुप बनाया। नूरजहां फॉर्म्ड अ ग्रुप विच इज नेम्ड एज नूरजहां जुंता। ओके, नूरजहां जुंता या नूरजहां ग्रुप। अब इस ग्रुप में नूरजहां के अलावा और कौन कौन थे? हिज फादर मिर्जा इलियास बेग, जिसको जहांगीर ने एतमादुद्द दौला का टाइटल दिया था। ओके, जहांगीर
Mirza Ghyas Beg as Etmaduddola. Okay, along with that, sorry, not his father, her father. Sorry for that. Okay, her mother, Ashmat Begum. Okay, guys, there is a question for you. Which lady in the Mughal history related with the आविष्कार किस लेडी जो मुगल पीरियड से बिलोंग करती है? ओके, आंसर आसफ खान. ओके, दे ऑल वर प्रेजेंट इन नूरजहां जुंता. अब ये सारे जो थे वो नूरजहां की साइड से थे, मतलब नूरजहां के पीहर से थे. एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है ससुराल में, तो ऐसे कंडीशन this Noorjahan group or should be included from the Sasural side. Okay, तो यहाँ Anglo side से भी किसी को include किया जाए. इसको include करने के लिए Noorjahan ने एक काम किया. आसफ खान की बेटी थी अर्जुमन बानो बेगम जहांगीर जहां के साथ में 1612 में. श्रिंकिंग टाइप इज कमिंग. ओके, या थैंक यू. तो 1612 में अर्जुमन बानो बेगम वॉज मैरिड विथ खुर्रम इन 1612 एंड इन दिस वे आसफ खान का जवाई हो गया कौन? खुर्रम. और अब खुर्रम को भी इस नूरजहां ग्रुप में शामिल कर लिया गया है ना. तो आपको यह ध्यान में रखना है कि 1611 में जहांगीर की शादी हुई थी और 1612 में उसके बेटे खुर्रम की शादी हो गई. ठीक है, तो पहले तो सब लोग 1611 में जहांगीर की बारात में चले गए और फिर 1612 में उसके बेटे की यानी खुर्रम की बारात में चले. ठीक है, तो इन दोनों की शादी यहाँ पे हो जाती है. एंड इन दिस वे जहां शाहजहां बिकेम द मेंबर ऑफ नूरजहां जुंता. ओके, इन दिस वे देयर वर फाइव मेंबर्स इन दिस नूरजहां जुंता. 1612 प्रॉपरली वर्क करता है, लेकिन उसके बाद एक प्रॉब्लम होती है. ओके, यानी ये जो ग्रुप है वो 1611 से 22 तक रहता है, ग्रुप टूट जाता है. एक्चुअल में होता क्या है, इन 1621 नूरजहां मैरिड हिज डॉटर, हिज डॉटर लाडली बेगम इज डॉटर फ्रॉम अली कुली और शेर अफगान. ओके, जो उसका पहला पति था. तो लाडली बेगम की शादी उसने 1621 में कर दी सहरियार से. ओके, सहरियार जो जहांगीर का बेटा था, सहरियार हु वाज द सन ऑफ जहांगीर. सो गाइस टेल मी वन थिंग, इज दैट वर्किंग प्रॉपरली नाउ? शुड आई कंटिन्यू द क्लास? Is that work properly? Should I continue it? No, it's not. It is very interesting than I thought. Yes, no, yes, no. Agwan, refresh it. एक बार वीडियो को रिफ्रेश करें. हंस, रिफ्रेश योर वीडियो. इसको रिफ्रेश करके फिर से प्ले करें.